दोस्तों एक ऐसा शख्स जो रोज छिपकली खाता है जिसकी वजह जानकर आपको चक्कर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कई लोग छिपकली देखकर उससे 2 फीट की दूरी बना लेते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कैलाश नाम का एक शख्स है जो कई सालों से छिपकली खाता आ रहा है, जिसे सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। दरअसल ये शख्स छिपकली को उबालकर खाता है, यहाँ तक कि उसका सूप बनाकर भी पी लेता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, ये छिपकली को उबाले हुए पानी को भी नहीं छोड़ता। लोगों का कहना है कि कैलाश हर रोज 10 छिपकली को खा जाता है। इसके पीछे का कारण ये बताया गया कि जब तक ये दिन में 2-3 छिपकली नहीं खा लेता तब तक ये बेचैन रहता है और इसकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। जानकारी के मुताबिक कैलाश अभी तक 60 अलग अलग तरह के जहरीले कीड़े मकोड़े को खा चुका है। दोस्तों जापान की एक ऐसी बियर जिसे हाथी के पोटी से बनाई जाती है, ये सुनकर आपको थोड़ा घिनौना लगे, लेकिन इसमें क्या कहा जाए, इंसानी एक ऐसा जीव है जो ये सब कर सकता है। खैर इस बियर का नाम उनकोनो कुरो है, जिसमें अलग किस्म का फ्लेवर देने के लिए कॉफी बीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें पूरा केल इसी कॉफी बीन्स का है, यानी कि इसे हाथी के पोटी से ली जाती है। जी हाँ, सबसे पहले हाथी को काफी सारी कॉफी बीन्स खिलाई जाती है जो इनके पेट में जाने के बाद ज्यादा गर्मी की वजह से रोस्ट हो जाता है, यानी कि एक तरह से पक जाता है। और जब हाथी पोटी करता है तो कॉफी बीन्स को इसमें से निकाल लिया जाता है, जिसका उनकोनो कुरो बियर में इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि बियर का टेस्ट पूरी तरह से चेंज हो जाता है। साथ ही ये काफी महंगी भी होती है, क्योंकि हाथी को तो काफी सारा कॉफी बीन्स खिलाया जाता है लेकिन बाहर निकलता है सिर्फ थोड़ा सा। वैसे अगर आप शराब पीते हैं तो आपको इसे छोड़ देना चाहिए।